जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 के बारे में और बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? भी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, भी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बता दें भी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान समान हो उस पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब क्या है, भी विभव निकालते हैं। विभव किसके ऊपर डिपेंड करता है, भी विद्युत विभव का जो फॉर्मूला निकाला था हमने, विद्युत विभव का वो क्या था, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर था, ये चीज निकाली थी अपने। और जो भी विभव का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, भी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। R यहाँ पे दूरी है, उसके ऊपर क्या करेगा, भी डिपेंड करेगा। इसके बारे में क्या है, अभी हम अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये डिस्कस करते हैं भी सम विभव पृष्ठ का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, या समविभव पृष्ठ की कल्पना किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में क्या है, भी डिस्कस करते हैं। समविभव पृष्ठ बनाने के लिए क्या करते हैं, भी एक बिंदुवत आवेश लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, इसके चारों ओर इस बिंदु आवेश को क्या है, भी केंद्र मानकर इसके चारों ओर क्या है, भी वृत्त खींचते हैं आर त्रिज्या का, और इसी को ही केंद्र मान के क्या है, भी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के क्या करते हैं, भी वृत्त खींचते हैं, सर्कल बनाते हैं, भी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अभी सर्कल के अभी बराबर है, थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं बना। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, भी कोई बिंदुवत आवेश लेते हैं और उस आवेश के चारों ओर क्या होगा, भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस आवेश को केंद्र, आवेश को केंद्र मान के क्या है, भी डिफरेंट डिफरेंट त्रिज्या के क्या है, भी सर्कल खींचते हैं। ठीक है, अब क्या है, भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, भी विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब वे, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या हो गया, भी क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या, अभी यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, ये दूरी क्या मान लो, भी आप आर मान लो, तो यहाँ पे विभव का मान क्या हो जाएगा, भी इस पॉइंट ए के ऊपर के क्यू अपॉन आर ही होगा। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे बी पॉइंट मान लो, यहाँ पे क्या है, भी क्या मान होगा, वी बी के क्यू अपॉन आर होगा। यदि यहाँ पे ये मान लो C पॉइंट मान लो, ये भी रेडियस क्या है, भी R है, ये भी रेडियस क्या है, भी R है, तो यहाँ पे VC क्या हो जाएगा, भी KQ अपॉन R हो जाएगा।
मीन्स क्या होगा, अभी ये जो डॉटेड लाइन से जो दर्शाया गया है इसको कोई पृष्ठ मान लो, ठीक है, वे तो ये बोल देंगे भी इस पृष्ठ के ऊपर या जो डॉटेड लाइन से दर्शाए गए इसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, भी समान प्राप्त होता है, इक्वल प्राप्त होता है। तो इसके कारण बोल देते हैं भी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो क्या कहलाता है, भी समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर हो गई बात, बे इस सर्कल के ऊपर भी कोई पॉइंट ले लो, भी ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, यहाँ पे भी विभव का मान निकाल लेंगे। आर भी रेडियस समान होने के कारण, इस केंद्र से दूरी समान होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो इस कारण बोल सकते हैं भी विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और यहाँ पे जो ये पृष्ठ दिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं भी आपके, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, अभी समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, किस प्रकार से क्या है भी इसकी कल्पना की जाती है, किस प्रकार से इसका क्या है भी आप निर्माण कर सकते हो। इसके बाद में क्या है भी आगे देखते हैं, एक तो ये हो गया भी एक समविभव पृष्ठ के बारे में एक कथन और भी दे सकते हैं, वो कथन क्या है भी आपका, भी एक चीज पढ़ी थी अपने भी एक एकांक आवेश को, भी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, भी विभवांतर के बराबर होता है। ये चीज पढ़ी थी भी अपने, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के क्या होता है, भी बराबर होता है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं भी किसी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक बिंदु बी तक विस्थापित करने में किसी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, बी किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। ये चीज क्या है, अभी अपने पढ़ी थी डेफिनेशन, विभवांतर के क्या होता है, बी बराबर होता है। ये डेफिनेशन क्या है, अभी हमने पढ़ी थी, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं भी वी बी माइनस वी ए किया गया कार्य क्या, अभी मान लो डब्ल्यू ए बी मान लो, आवेश क्या हो जाएगा भी अपने क्या अभी एकांक लिया है, तो ये चीज क्वेश्चन आ जाएगी। अब कंडीशन ये बोलता है भी यदि दोनों विभव यदि दोनों विभव सम विभव पृष्ठ पर उपस्थित हैं, यदि दोनों विभव सम विभव पृष्ठ पर उपस्थित हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी ए हो जाएगा, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी वी ए हो जाएगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, भी डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आप बोल सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी, ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। और यदि दोनों विभव के अभी ए और बी पॉइंट हैं, यदि ए और बी पॉइंट के अभी इस पृष्ठ पर उपस्थित हो, तो यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, विभव क्या होगा, भी यदि समय विभव पृष्ठ पर उपस्थित है तो विभव का मान क्या होगा, समान होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा भी डब्ल्यू ए बी जीरो। तो बोल सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी भी, विषम विभव पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, भी शून्य के बराबर होता है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं भी, ऊपर लिख देते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं भैया थ्योरम इस कंडीशन के अंदर, ये लिख सकते हैं विषम विभव तल पर, ये तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो विभव का मान क्या होगा भी, समान नहीं होगा। सम विभव तल पे या पृष्ठ के ऊपर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विषम विभव तल पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्या होता है भी, शून्य होता है। भी विभव तल पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है भी, शून्य होता है, या किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। ये पॉइंट विभव का मान क्या है, इस पृष्ठ के ऊपर समान होगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी, आपका डब्लू शून्य हो जाएगा। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या अभी हम बता सकते हैं। ये तो हो गया अभी आपका सम विभव पृष्ठ क्या होता है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, वो अपने क्या भी अच्छे तरीके से क्या है भी समझ लिया, क्योंकि सम विभव पृष्ठ इस प्रकार से कल्पना कर ली, डिस्टेंस क्या है भी केंद्र आवेश से दूरी समान होने के कारण क्या भी प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं भी अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा भी, अपना पॉइंट देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत विभव V में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विद्युत विभव V में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल अपने देखें तो कौन से रिलेशन को फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भी आपकी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप होती है, यही होती है, ठीक है, यही होती है। विभव क्या होता है भी आपका, एक अदिश राशि है, के क्यू अपॉन आर होती है। यहां से दोनों की तुलना करते हैं समीकरण एक और समीकरण दो की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, E वेक्टर इक्वल टू V अपॉन R, R कैप, ये चीज लिख सकते हैं अभी अपने।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम ये क्या है, इस रिलेशन को ही क्या है अभी वी अपॉन आर, इस रिलेशन को ही क्या करना है अभी आपको डेराइव करना है, ठीक है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं अभी अपने, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले के अभी अदिश क्षेत्र की प्रवणता पढ़ते हैं, वो क्या होती है अभी। भी किसी अदिश क्षेत्र, ठीक है, किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र, जैसे विभव क्षेत्र, क्योंकि विभव क्या है भी एक अदिश राशि है, किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति, किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता की, भी किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं भी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अभी आपका। अब देखिएगा भी किस प्रकार से अधिक क्षेत्र की प्रवणता को निकालेंगे और किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे, इसके लिए अपने मानते हैं भी आपके पास दो सम विभव पृष्ठ है, ठीक है, दो सम विभव पृष्ठ है, दो सम विभव पृष्ठ की कल्पना करते हैं भी अपने, एक तो ये हो गया, ठीक है, इस बिंदु आवेश को केंद्र मान के क्या भी एक पृष्ठ की कल्पना तो ये कर ली, और एक एक ये पृष्ठ हो गया, अभी दो पृष्ठ मान लिए, एक पृष्ठ तो क्या हो गया अभी ये हो गया, और एक दूसरा पृष्ठ क्या है इसके बार वाली साइड वाला हो गया, भी दो क्या हो गए भी सम विभव पृष्ठ हो गए। अब क्या बताता है भी इस पृष्ठ के ऊपर विभव का मान, मान लो क्या है आपका v है, ठीक है, और इस पृष्ठ के ऊपर विभव का मान मानो क्या है भी v प्लस डेल v, डेल v क्या बताता है भी विभव में परिवर्तन को शो करता है, किसको शो करता है भी डेल v, यहाँ पे विभव के मान में क्या हो रहा है भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज किस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अपने कैलकुलेट करने के लिए क्या है भी ये v है और ये v प्लस डेल v है भी विभव के मान में क्या है भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा और इनके मध्य की न्यूनतम दूरी मान लो क्या होगी, न्यूनतम दूरी कौन सी होती है भी, अपने यहां पे लिख देते हैं, यदि दो सम विभव पृष्ठ, यदि दो सम विभव पृष्ठ जिनके
विभव वी प्लस डेल वी है तथा उन दोनों पृष्ठों के बीज की तथा उन दोनों पृष्ठों के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम दूरी या बोल सकते हैं इसे लंबवत दूरी डेल एन है। बीच की लंबवत दूरी क्या है भी डेल एन है, ठीक है। तो अब क्या है बे, यहां पे ये कोई पॉइंट मान लें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी भी, यहाँ पे क्या है भी कोई आपने कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे करा, यहाँ पे क्रॉस काटा, फिर यहाँ से आया भी, आप अच्छे तरीके से काटोगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है भी। यहाँ पे भी आप कोई क्या भी स्पर्श रेखा खींच रहे हो, स्पर्श रेखा खींच के क्या अभी बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से आप क्या अभी डेराइव कर सकते हो, ठीक है। आपको वैसे पता भी है तो बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी भी इस पॉइंट को लेकर डेराइव कर रहे हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है भी। कहीं से भी लेके डेराइव कर सकते हैं भी, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके डेराइव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया भी, यहाँ से अच्छे से काटेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी, इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। मीन्स क्या है भी, इसके बीच की लंबवत दूरी को हमने क्या है भी डेराइव किया है, ठीक है। वो क्या है भी आपकी डेल एन है, लंबवत दूरी वो क्या होगी भी आपकी न्यूनतम दूरी होगी दोनों पृष्ठों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। तो अधिक क्षेत्र की प्रवणता क्या हो जाएगी भी, आप अधिक क्षेत्र की प्रवणता लिख सकते हो तो अधिक क्षेत्र की या विभव अधिक्षेत्र के अभी आपका विभव है V की प्रवणता, यहां पे ऊपर एक साइड में लिख देते हैं वो क्या होगी भी, प्रवणता अधिक्षेत्र की प्रवणता को ग्रेडियंट से डिनोट करते हैं तो आपकी ग्रेडियंट वेक्टर लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ग्रेडियंट V क्या डेफिनेशन होगी भी, किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर, चेंज क्या हो रहा है भी विभव के अंदर, v प्लस डेल v माइनस v, विभव में चेंज क्या हो रहा है भी डेल v हो रहा है v प्लस डेल v माइनस v, v से v कैंसिल आउट डेल v, और डिस्टेंस क्या है बी डेल एन, ठीक है। और आपका एन कैप, ये होगी भी आपकी इक्वेशन नंबर वन। और यहां पे एन कैप क्या है बी, पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है, यहां एन कैप पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अभी, ग्रेडियंट अधिक क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, चेंज क्या हो रहा है विभव में अधिक क्षेत्र में v प्लस डेल v माइनस v, डेल v चेंज हो रहा है, बीच की न्यूनतम दूरी क्या है भी
डेलन है और एनकेप क्या है भी यहाँ पे पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में क्या है भी परपेंडिकुलर क्या है भी एकांक सदिश है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है यहां तक। अब क्या है भी आगे देखते हैं, ये मान लो क्या है इसकी दिशा के अंदर ही होगा अभिलंब की दिशा में एन कैप। ठीक है, अब देखिएगा भी आगे क्या करते हैं। अब यदि एकांक धन आवेश को भी एकांक धन आवेश को विभव पृष्ठ के ऊपर किसी बिंदु स्थित किसी बिंदु से विभव पृष्ठ के V प्लस डेल V पृष्ठ के परिस्थित किसी बिंदु तक डेल R विस्थापित करें तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य ये मानो डेल R विस्थापित करें। कहने का मतलब भी एकांक धन आवेश को विभव V से पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु से V प्लस डेल V के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु तक डेल R विस्थापित करें तो उस कंडीशन के अंदर वे किसी एकांक धन धनावेश को एकांक धनावेश को विभव V के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु से के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु से विभव V प्लस डेल V के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक डेल R दूरी तक विस्थापित करें विस्थापित करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी देखते हैं। ठीक है, अब ये बता दूं भी आपका डेरिवेशन क्या है भी थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो आगे के डेरिवेशन के लिए क्या भी इसी के क्या है भी बी पार्ट के अंदर क्या भी 8B के अंदर क्या है भी डिस्कस करते हैं।